हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम माय ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और देखिए, सुबह के 9 बज चुके हैं और कल यहाँ पे बारिश हुई थी, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे मौसम बड़ा इतना मतलब धूप तेज आ रही है बहुत ज़्यादा। और देखिए अभी मैंने चाय बनाई है, चाय बना के देखते मेरे देव जी क्या कर रहे हैं। और देखिए देव जी तो सब्जी काट रहे हैं, देव जी यहाँ पे सब्जी कह रहे हैं जब तक आप चाय बनाओ। मैं आज थोड़ा लेट हुई सो के, तो ये बोल रहे हैं कि अभी मैं साफ कर लेता हूँ, मुंगी मैं ही काट लेता हूँ। और ये देखिए मेरे डॉग को लकी को, पता नहीं क्या मस्ती कर रहा है। लकी क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, भूख लग रही है आपको, भूख लग रही है, इसको शायद भूख लग रही है, तो मैं अभी इसको देने वाली हूँ थोड़ी देर में। और देखिए हमारी हो रही है 9 बजे की चाय, जो कि लेट आज हम लोग उठे तो इसलिए से चाय लेट हो गई। और देखिए मेरे डॉग को क्या मस्ती कर रहा है, लकी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मस्ती हो रही है, ये बहुत मस्ती कर रहा है अभी। और देखो ये हंस रहा है, ये देखो अकेले के लिए मस्ती कर रहा है ये, कोई नहीं। और थोड़ी देर में देख जी जाएंगे शॉप पे, मैं भी जाऊंगी अपने काम पे, इधर के कामों में अभी बहुत टाइम है। यहाँ पे देखो बच्चों के हैं 9:45 और मैं बना रही हूँ यहाँ पे भिंडी, और भिंडी तैयार है, बस कढ़ाई रखी हुई है मैंने अभी, और एक तरफ मैंने तवा रखा हुआ है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लेट बहुत हो रहा है हम दोनों को, देव जी को मेरे को, मैंने सोचा एक में भिंडी बन जाएगी फटाफट, एक में रोटी बना दूंगी मैं। और ये देखो देव जी क्या कर रहे हैं, अभी ये देख रहे हैं जो बर्तन पड़े हैं वो धो रहे हैं। जब हम लेट होते हैं तो ये बोलते हैं थोड़ा थोड़ा हाफ हाफ तब कर लें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस मैं भिंडी बनाने जा रही हूँ, अभी मैं तेल डाल देती हूँ, कढ़ाई हो चुकी है मेरी गरम। देखिए मेरी भिंडी हो चुकी है यहाँ पे रेडी, भिंडी बन चुकी है और चपाती वगैरह भी मैंने बना ली है, और किचन मैंने साफ कर लिया है जो कि एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। और बस देव जी नहाने गए हैं, मैं नहाने जाऊंगी इसके बाद, देव जी के बाद। और बस रूम भी क्लीन हो चुका है, रूम भी साफ हो चुका है, देखिए हमारा रूम। और मेरा डॉग है जो अभी खाना वाना खा के अभी रेस्ट पे है, वो सो रहा है। और ये देखिए सो रहा है बिल्कुल। लकी क्या कर रहे हो, स्लीपिंग, सो रहे हो, ओले ओले ओले। और ये सो रहा है अभी, और मैं सोच रही थी इसको ना मतलब नहलाऊं, तो अभी देखती हूँ, अभी मैं नहला नहीं सकती क्योंकि मेरा भी टाइमिंग हो रहा है अभी बहुत ज़्यादा, ड्यूटी के लिए लेट हो जाएगा। ड्यूटी मैं जाती हूँ नीचे, शॉप है ये, हम रेंट पे रहते हैं तो यहाँ पे शॉप। ये देखिए मेरी माता रानी का मंदिर, और ये हमारे सारे सामान हैं। और ये देखिए देव जी आ चुके हैं नहा के, ऐसा लग रहा है जैसे उनको ठंड लग गई हो, अभी तो सर्दी भी नहीं आई है। और देखिए तो चलिए मैं जाती हूँ अब नहाने, क्योंकि मेरी दान आ चुकी है, तो देव जी अभी नहा के आ चुके हैं और पूजा करके वो भी अपने शॉप जाना है। यस बाय, मिलते हैं मेरी। और गाइस सीता जी नहाने के लिए गई है, और मैंने भी पूछा था तो आपको भी जयमा देवी दीजिए, सभी जयमा देवी दीजिए, बोल सच्चे दरबार की जय। सीता जी नहा के आएंगी तो वो बाकी भी आएगा, वो डालेंगी। ओके बाय। यहाँ पे बच गए हैं 10:30 और अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैंने भी पूजा वजह कर ली है देव जी ने, और मैंने भी हाथ जोड़ लिया है माता रानी को, और अब देखिए हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। चलो मैंने कहा एक एक रोटी खा ही लेते हैं, और देव जी तो बिल्कुल अभी बगल एकदम रेडी है जो कि अभी शॉप जाने के लिए। और देखिए हमारा डॉग ये डर क्या है, क्योंकि जो डोर है बहुत दूर से ऐसे आया,
और ये सो रहा था बहुत गर्मी में, तो अभी उठ चुका है और बिल्कुल डर चुका है। और आइए आप सबसे बताती हूँ बूंदी और रोटी का नाश्ता। गाइस भिंडी की सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी, मतलब देव जी ने बनाई इतनी टेस्टी कि मैंने फिनिश कर दी, मुझे बहुत टेस्टी लगी। और सीरियसली कितना काम करवाती है, सब पतियों को ऐसे काम करवाती है। ये आज इसलिए बोल रहे हैं कि आज मैं लेट उठी तो ताना मार रहे हैं जज जो फॉली। और सच में मेरा तो मन कर रहा है मैं एक चपाती और ले लूँ, बट ले नहीं सकती क्योंकि 11:15 हो चुके हैं। अब मैं हैंड वॉश करके बस निकलती हैं यहाँ से दोनों को दोनों अपनी अपनी शॉप पे, और हमारी खुद की शॉप है कॉस्मेटिक पार्लर एंड ब्यूटी। तो रेस्ट पे है कोई नहीं, इसको अभी हम बाहर कर देंगे और अभी चलेंगे हम लोग। देखिए गाँव को देव जी बाहर कर रहे हैं कि तू बाहर बैठ जा, क्योंकि ये बहुत नुकसान करता है अंदर बैठ के, कभी मैट फाड़ देता है, कभी कुछ पर्दे जो हैं कि जो छोटे हैं बेबी होते हैं ब्रीड के, तो वो एक्चुअली उनके दांत जो है ना कहते हैं ना इचिंग सी होती है, तो वो उसकी वजह से चीज़ों को नुकसान करता है। बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं अभी। मम्मी का नाश्ता रख लिया आपने? यहाँ पे मम्मी का नाश्ता भी हो चुका है रेडी और मतलब पैक हो गया है, अभी हम लोग चलते हैं। सूरज इतनी तेज लग रहा है आज, ये भी लॉक कर रहे हैं, बस अभी ये रूम लॉक हो गया है। और देखिए अच्छे मौसम, बहुत कल बहुत अच्छा था मौसम, तो आज बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम से गर्मी से हो गया। ये किचन का लॉक हो गया, किचन ये है, अभी हम लोग चल रहे हैं। अभी देव जी जो है अपनी एक्टिवा निकाल रहे हैं बाहर जाने के लिए, हम नीचे आ गए। हमारा फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर ये है, हम लोग क्या ये देखो बाय। मैं गेट लॉक कर देती हूँ। हेलो, और देखो दिन के बज चुके हैं 3, हमने लंच कर लिया है, थोड़ा लेट हो गया लंच, मैंने अभी चपातियाँ बनाई। और देखिए मेरा डॉग कितना बदतमीज है, शैतानी कर रहा है, बिल्कुल दुपट्टे पे है ये, देखो बहुत शैतानी कर रहा है ये। लकी व्हाट इज दिस, छोड़ो इसको। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अभी लाइट भी चली गई है, लाइट जा चुकी है इस टाइम पे, और इस टाइम पे गर्मी देखो, आपको मैं धूप दिखाती हूँ कितना मतलब मौसम यहाँ का कितना डेंजरस हो रहा है। और देखिए मैं मौसम दिखाती हूँ, माय गॉड इतनी तेज धूप, आजकल मौसम ऐसा हो रहा है 2-3 बार। देखिए बादल भी लग रहे हैं, रोज ऐसा ही मौसम हो रहा है, बादल लगते हैं फिर बारिश हो जाती है। हाँ मैं वेट कर रही हूँ, लाइट भी नहीं है, हालत ख़राब हो रही है पसीने से। और गाइस ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, और देव जी और मैं अपना लव स्टोरी भी शेयर करूँगी जल्द से जल्द, आपके पास हमारा लव स्टोरी का ब्लॉग भी आएगा। तो प्लीज़ आप सभी हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमें सपोर्ट कीजिए। और ये देखिए अभी बस हम थोड़ी देर में जाएंगे, दिन के 3:30 बज चुके हैं और देव जी और मैं रेस्ट पे थे, तो अभी पर्दे वाले भैया जी आए, बोल रहे थे कि पर्दा लगाना है, लाइट आएगी फिर लगा लेंगे। और देखिए पर्दे वाले भैया जी आए थे, हमारा अभी न्यू शिफ्टिंग है रूम पे, तो अभी हम ये पर्दा लगाना रह गया इधर और यहाँ रह गया है, अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अभी हमें मैनेज करके चलनी हैं। और देव जी भी सो रहे हैं बिल्कुल, इनको नींद आ रही थी, ये सो रखे थे बट भैया मुझे सोने नहीं दे रही है, मैं उठ गया पता है।
अभी मतलब भैया जी आ चुक गए थे तो इसलिए उठ गए हम लोग। और देखिए मौसम, अभी धूप थी बहुत तेज, अभी बादल आ चुके हैं। देखिए मौसम दिखा दूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए बिल्कुल मौसम चेंज हो गया है और आजकल ऐसे ही हो रहा है। ये देखिए बादल लग चुके हैं, तो सोचो बारिश आ जाए अच्छी बात है। ये गर्मी इतनी हो रही है, नींद भी आना पॉसिबल नहीं हो रही है। लाइट देखो गाइस, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया, मतलब 1 आवर समथिंग हो चुका है, लाइट आई नहीं अभी तक। और बहुत परेशान हो रहे हैं देव जी और मैं, नींद आ रही है लेकिन सो नहीं पा रहे हैं लाइट की वजह से। कोई नहीं, अभी लाइट आएगी, जब लाइट आएगी फिर मैं चली जाऊंगी शॉप पे। और गाइस मैं शॉप पे जॉब कर रही हूँ, ये जहाँ पे हम रेंट पे रह रहे हैं यहाँ पे हमारी भाभी जी हैं जिनका बिल्कुल घर में ही अटैच है शॉप, और स्कूल यूनिफॉर्म की उनकी शॉप है। बस खाली टाइम पास क्या करना है, घर में काम निपटा के अपना बैठ जाते हैं, पूरा टाइम पास भी हो जाता है। और सोच रही हूँ इसकी बारिश आ जाए बहुत जल्दी। गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पे, 10 बज चुके हैं और आज हम किसी काम में बहुत बिजी हो गए क्योंकि मैं 10 बज गया, खाना भी हम लोगों ने नहीं खाया, वो खाना खाएंगे और इसके बाद सोने की तैयारी करेंगे रेस्ट पे। और देव जी भी हैं कॉल पे, और फिर मिलते हैं हमारा नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, वेट कीजिए हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपको। सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो।